प्यारे बच्चों, आज बहुपद चैप्टर के चौथे लेक्चर में हम बहुपद में गुणनखंड का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x धन 1 है। हमें बताना है कि यह जो निम्नलिखित बहुपद दिया गया है उसमें किस बहुपद का गुणनखंड x धन 1 है। कहने का मतलब यह है कि x धन 1 किस बहुपद का उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब x धन 1 से भाग दें तो पूरी पूरी भाग चली जानी चाहिए अथवा शेषफल का मान शून्य मिलना चाहिए, या शेषफल प्रमेय की सहायता से, हमने पूर्व लेक्चर में बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, शेषफल प्रमेय में बताया गया था कि यदि शेषफल प्रमेय में आपको बताया गया था कि यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि भाग दीजिए और भाग देने के उपरांत शेषफल का मान शून्य प्राप्त हो जाए, शेषफल का मान शून्य प्राप्त हो जाए तो हम यह कह सकते हैं कि दिया गया बहुपद में x धन 1 एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम उसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से, शेषफल प्रमेय की सहायता से हम x धन 1 का शून्य ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि जब किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता है तो उसे शून्य के बराबर करते हैं। तो इसको शून्य के बराबर करिए, x धन 1 बराबर शून्य अर्थात x बराबर माइनस 1 आप इस बहुपद में रख दीजिए। यदि बहुपद का मान शून्य के बराबर प्राप्त हो जाता है तो हम कह देंगे कि यह x धन 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो यहां रखिए, यह हो जाएगा p माइनस 1, जहां जहां x वहां वहां माइनस 1 रखिए, हर करिए तो माइनस के ऊपर विषम की घात होती है तो माइनस होता है, यहाँ पे सम की घात है प्लस 1 होगा, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1, हर करिए या इससे कट जाएगा या इससे कट जाएगा, यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद px का एक गुणनखंड x धन 1 होगा। बहुपद px का एक गुणनखंड x धन 1 होगा। यदि यह 0 प्राप्त नहीं होता तो हम कह देते कि x धन 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से इसमें रखिए, क्योंकि यह x धन 1 तीन चारों प्रश्नों पे हमें चेक करना है। यहां पे रखिए x की जगह माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1, हल करिए तो माइनस 1 पे 4 की घात है तो सम घात है, इसके साथ प्लस 1 होगा, यहाँ पे माइनस 1 होगा, यहाँ पे प्लस 1 होगा और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1, हल करिए 1 से 1 मिस हो गया, आंसर आया 1। अर्थात p माइनस 1 रखने पे बहुपद का मान शून्य के बराबर नहीं हुआ। तो लिखेंगे अतः x धन 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। और अगर शून्य के बराबर आ जाता तो हम कह देते कि x धन 1 बहुपद का गुणनखंड है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से यहां रखिए x का मान माइनस 1, तो माइनस 1 घाते 4 प्लस 3 माइनस 1 घाते 3
तीन प्लस तीन माइनस एक घाते दो माइनस एक प्लस एक, हल करिए तो माइनस एक सम की घात है एक आ गया, यहाँ पे माइनस तीन प्राप्त होगा, यहाँ पे प्लस तीन प्राप्त होगा, यहाँ पे माइनस एक प्लस एक, या इससे फिनिश या इससे फिनिश, इसका मान एक आ गया अर्थात शून्य के बराबर नहीं प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे p माइनस एक बराबर एक, अतः x धन एक बहुपद का गुणनखंड px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। समझ में? इसी प्रकार से इसको चेक कर लीजिए, p माइनस वन क्या मिलेगा, माइनस वन पे घाते तीन माइनस माइनस फिर माइनस एक घाते दो माइनस दो धन करणी में तीन और माइनस रखेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस करणी में दो, हर करेंगे तो यह भी शून्य के बराबर नहीं प्राप्त होगा। देखिए कितना है माइनस एक, यहाँ पे प्लस फिर माइनस एक हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस दो प्लस करीन तीन प्लस करीन दो, हर करेंगे तो यह जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे p माइनस एक नॉट इक्वल जीरो, अतः x धन एक बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। जांच कीजिएगा प्यारे बच्चों, यह जो पहले में चार प्रश्न दिया है जिसमें पहला जो प्रश्न है, पहला जो पार्ट दिया गया है बहुपद px बराबर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस एक, यही एक ऐसा बहुपद है जिसमें गुणनखंड x धन एक क्या है, उसका गुणनखंड है, नहीं तो तीनों गुणनखंड नहीं है। कोई गुणनखंड दिए गए बहुपद का तभी गुणनखंड कहलाता है जब उसको रखने पर उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, तभी वह उसका गुणनखंड होता है। इसी प्रकार से एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स, प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जी एक्स का शून्य ज्ञात करेंगे, जी एक्स का शून्य ज्ञात करेंगे, वहां से एक्स के मान को पी एक्स में रखेंगे, यदि यदि पी एक्स का मान शून्य के बराबर प्राप्त हो जाता है तो हम कह देंगे कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो चलिए सबसे पहले निकाला जाए जी एक्स का शून्य। अब आपको पता है किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उसे हम शून्य के बराबर लिखते हैं, तो जी एक्स का मान कितना है, एक्स धन एक बराबर शून्य, एक्स बराबर माइनस एक, यही मान हम बहुपद पी एक्स में रखेंगे तो पी माइनस एक इक्वल जहां जहां एक्स वहां वहां माइनस एक रखिए, माइनस एक घाते तीन धन माइनस एक घाते दो माइनस दो माइनस एक भर करिए, तो माइनस एक पे जब विषम की घात होती है तो माइनस प्राप्त होता है अर्थात माइनस दो, माइनस एक पे सम की घात रहती है तो प्लस एक प्राप्त होता है, और माइनस माइनस का गुणा प्लस प्राप्त होता है, माइनस एक भर करिए तो प्राप्त होगा दो से दो कट जाएगा और एक से एक कट जाएगा, बराबर कितना मिलेगा जीरो प्राप्त होगा, अर्थात बहुपद p माइनस एक का मान कितना मिला जीरो प्राप्त। तो हम कह देंगे कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, जी एक्स जो है पी एक्स का क्या है गुणनखंड। इसी प्रकार से एक्सरसाइज के दूसरा तीसरा क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, जैसे दिया है इसको आप नोट कर लीजिए,
एक्सरसाइज में पीएक्स दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन एक्स क्यूब धन तीन एक्स स्क्वायर धन तीन एक्स, एक्स क्यूब धन तीन एक्स स्क्वायर धन तीन एक्स, एक्स क्यूब धन तीन एक्स तीन एक्स धन एक, धन एक और जी एस का मान दिया है एक्स धन दो, एक्स धन दो। यही कह रहा है कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम जी एक्स का शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। तो यहाँ प्राप्त होगा x धन दो बराबर जीरो, x बराबर माइनस दो। अब यही माइनस दो हम इस बहुपद में रखेंगे तो प्राप्त होगा p ऑफ माइनस दो इक्वल माइनस दो टू द पावर तीन प्लस तीन माइनस दो पे घाते दो प्लस तीन माइनस दो प्लस एक, हल करिए तो इसके ऊपर विषम की घात है तो दो का तीन बार गुणा करेंगे तो माइनस आठ प्राप्त होगा और दो दूनी चार धन का चार प्राप्त होगा, धन चार किया बारह ऋण छह धन एक, हल करिए। समान चिन्ह जोड़ते हैं विपरीत चिन्ह घटते हैं, आठ छह चौदह माइनस का चौदह बारह एक तेरह धन का तेरह माइनस एक प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे पी एक्स नॉट इक्वल जीरो, अतः जो बहुपद जी एक्स है पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप इसे हल कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कह रहा है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस चार एक्स स्क्वायर धन एक्स धन छह, जी एक्स का मान दिया है एक्स माइनस तीन। तो सबसे पहले आप जी एक्स का शून्य ज्ञात करिएगा, बहुपद में रख दीजिएगा। यदि बहुपद का मान शून्य के बराबर प्राप्त होता है तो कह देंगे कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, और जो शून्य के बराबर नहीं प्राप्त होता है तो कह देंगे कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस एक पी एक्स का गुणनखंड है। आप जानते हैं कि x माइनस एक पी एक्स का गुणनखंड तभी होगा जब x माइनस एक का मान इस पी एक्स में रखे और शून्य के बराबर प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे हम सबसे पहले कि एक्स माइनस एक का शून्य तो कैसे ज्ञात होगा, एक्स माइनस एक बराबर जीरो अर्थात एक्स बराबर एक, एक्स का मान बहुपद में रखें और उस बहुपद का मान शून्य के बराबर प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे कि पी एक्स एक्स माइनस एक का एक गुणनखंड है। तो यहां लिखेंगे हम चूंकि एक्स माइनस एक पी एक्स का गुणनखंड तभी होगा जब पी इसका शून्य कितना है एक का मान क्या प्राप्त हो शून्य प्राप्त हो तभी इसका क्या होगा ये गुणनखंड होगा। तो आप बहुपद में रखिए x बराबर एक क्या प्राप्त होगा एक का होल स्क्वायर प्लस एक प्लस के बराबर जीरो, एक का वर्ग एक धन के बराबर जीरो, एक एक दो तो k का मान कितना प्राप्त हुआ माइनस दो, k का मान माइनस दो प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों यही के का मान होगा, यही के का मान होगा जो एक्स माइनस एक बहुपद का एक, अगर के का मान माइनस दो रखेंगे तभी होगा एक्स माइनस एक बहुपद का गुणनखंड। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, कह रहा है पी एक्स बराबर
x बराबर 2x स्क्वायर धन kx, 2x स्क्वायर धन kx प्लस करड़ी में 2, प्लस करड़ी में 2 कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे, px बराबर 0, और हम x के लिए क्या पुट करेंगे जो दिया है सबसे ऊपर, x बराबर 1 लिखेंगे, x बराबर 1 पर px बराबर 0, तो यहां पे p 1 रखिए, x के लिए 1 रखिए, तो क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू 1 का वर्ग धन k इंटू 1 धन करड़ी में 2 बराबर 0, हल करेंगे तो 2 धन k धन करड़ी में 2 बराबर 0, तो k बराबर माइनस करड़ी में 2 माइनस 2, यही इसका k का मान होगा, जो दिए गए बहुपद में रखने पर जो बहुपद प्राप्त होगा वह बहुपद दिए गए x माइनस 1 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। पहले बच्चों इसी प्रकार से इसका तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न आप कर लीजिएगा, सेम इसी मेथड से हल होगा। तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न सेम इसी बेस से है, लगा लीजिएगा। एक्सरसाइज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित गुणनखंड, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यह एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखिएगा इस किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों हम x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का सबसे पहले गुणा करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का हम गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 गुणे 1 बराबर 12 प्राप्त हुआ। हम x स्क्वायर के गुणांक और 1 का सबसे पहले गुणा करते हैं तो हमें मिला 12। अब हम गुणा करने पे 12 प्राप्त हो और जोड़ने पे प्राप्त हो 7, तो क्या मिलेगा, इस 12 का हम गुणनखंड करेंगे, 4 गुणे 3, यहां से देखिएगा 4 गुणे 3, तो समान चिन्ह प्लस प्लस भी होते हैं, समान चिन्ह माइनस माइनस भी होते हैं, अगर यहां कर दे -4 -3 का गुणा कर दे तब भी हमें 12 प्राप्त होगा, और -4 -3 का गुणा करेंगे तब भी हमें 12 प्राप्त होगा, इस 4 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो यह -7 प्राप्त होगा, और गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त होगा। इसी विधि की सहायता से इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो करिए 12x² इस -7x को क्या लिख सकते हैं, -4x -3x - 1। प्यारे बच्चों कॉमन ले लीजिए, यहां से 4x कॉमन है, हो जाएगा 3x - 1 - 1 कॉमन ले लीजिए तो 3x - 1, तो यहां से आपका यह पद कॉमन है बाहर कर लीजिए, हो जाएगा 4x - 1 और 3x - 1, तो ए इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया गया है एक्सरसाइज का, 2x² - 7x - 3। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज का चौथे का दूसरा प्रश्न है, इसमें भी वही तकनीक लगाएंगे, x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का हम सबसे पहले गुणा करेंगे, तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 3 बराबर 6। अब गुणा करने पे 6 प्राप्त होए और जोड़ने पे 7 प्राप्त हो, तो क्या करेंगे भाई, इस 6 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, और 6 को 1 में जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। इसी तकनीक की सहायता से हम 2x² - 6x - 1 - 3
को हल करेंगे तो प्राप्त होगा द्वियस कामन ले लीजिए यक्ष धन तीन, धन एक कामन ले लीजिए यक्ष धन तीन, हल करेंगे तो यक्ष धन तीन कामन है तो यक्ष धन तीन और द्वियस धन एक। प्यारे बच्चों यही इसका गुणनफल होगा। इसी प्रकार से चौथे का तीसरा, चौथे का चौथा आप हल करिए, इसको नोट कर लें। जितना से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे जितने सवाल होगा उतना ही आपका एक आंसर क्लियर होगा। अधिक से अधिक क्वेश्चंस एग्जाम पर देख करके अदर बुक की सहायता से आप करिए। इसी प्रकार से चौथे का चौथा है, चौथे का तीसरा प्रश्न है, छह एक्स स्क्वायर धन पांच एक्स माइनस छह, छह एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स माइनस छह, यही प्रश्न है, छह एक्स स्क्वायर धन पांच एक्स माइनस छह, धन पांच एक्स। तो प्यारे बच्चों इसमें भी वही कांसेप्ट, पहला और लास्ट का गुणा करते हैं तो छह गुणे माइनस छह बराबर माइनस छत्तीस मिला। अब ऐसा करिए कि घटाने पे पांच एक्स मिले और गुणा करने पे छत्तीस मिले, तो क्या करें हम कि इसका फैक्टराइज बन जाए, तो छत्तीस का हम फैक्टर करेंगे तो छत्तीस का फैक्टर कितना होगा, बारह तीन छत्तीस होगा, बारह तीन में आएगा नहीं, नौ चौक छत्तीस होगा, नौ में चार जा पांच आएगा, यहां पर लिखेंगे नौ और माइनस चार, तो नौ और माइनस चार का गुणा करेंगे तो छत्तीस प्राप्त होगा, नौ में से चार को घटाएंगे तो पांच प्राप्त होगा। तो देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो लिखेंगे छह एक्स स्क्वायर धन नौ एक्स माइनस चार एक्स माइनस छह, कामन ले लीजिए तीन एक्स तो दो एक्स धन तीन प्राप्त होगा, माइनस दो कामन ले लीजिए तो दो एक्स धन तीन प्राप्त होगा, यह कामन है बाहर कर लीजिए तो दो एक्स धन तीन और तीन एक्स माइनस दो, यही इसका गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से आप चौथे का चौथा गुणनखंड आप स्वयं हल करिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पांच है एक्सरसाइज का, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात करें, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस दो। प्यारे बच्चों यह त्रिघाती बहुपद है, यह त्रिघाती बहुपद को हम कैसे हल करेंगे, तो इसमें शेषफल प्रमेय लगाई जाती है, यह बिना शेषफल प्रमेय को नहीं हल कर सकते आप, जो मैंने इसके पहले चौथा क्वेश्चन में तकनीक बताया था उसका प्रयोग यहाँ नहीं होगा, इसको हम केवल शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें हम आचर पद को लेते हैं, पीएक्स का आचर पद, बहुपद पीएक्स का अचर पद, अचर पद देखिए दिया है दो, और दो का गुणनखंड, दो का गुणनखंड, दो का जो गुणनखंड होता है यह प्लस माइनस एक होता है और प्लस माइनस दो होता है, यह कंफर्म है कि यह चार मान इसमें रखें तो कोई एक मान ऐसा जरूर होगा जिससे इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, तो हम ट्रायल करेंगे, ट्रायल मेथड से लगता है, ट्रायल मेथड ट्रायल करिए। तो सबसे पहले हम एक लेंगे, एक भी देखिए कैसा आता है, एक का क्यूब माइनस दो एक का वर्ग माइनस एक धन दो, हर करिए एक माइनस दो माइनस एक धन दो, तो दो एक तीन, दो एक तीन, तीन माइनस तीन बराबर जीरो, अर्थात यहां से हमें एक मान अवश्य प्राप्त हो गया कि पी एक बराबर जीरो, इसका क्या होगा एक गुणनखंड होगा, अतः यक्स माइनस एक पीएक्स का एक क्या है गुणनखंड, यहां से एक निष्कर्ष हमें प्राप्त हो गया। तो अब इसका हम फैक्टराइज करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा,
एक्स क्यूब माइनस दो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए एक्स में से एक कॉमन। फिर इस दो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, ये तो लिख दिए दो एक्स स्क्वायर को, इस माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस दो एक्स प्लस एक्स, दो एक्स में से एक एक्स घटाएंगे माइनस एक्स आएगा और प्लस दो यहां पर। तो देखिए नहीं, इसको ऐसे करिए प्लस एक्स यहां पर लिए माइनस दो एक्स यहां पर, अब हल करिए तो यहां से दो पदों में कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर अंदर मिलेगा एक्स माइनस एक, इन दोनों पदों में माइनस एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस एक मिलेगा, इन दोनों पदों में माइनस दो कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस एक मिलेगा। देखिए मिला कि नहीं मिला, तो एक्स माइनस एक हम कॉमन ले लेंगे पूरे पदों में, एक्स माइनस एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो। अब हम इसको जो हमने विधि बताया है उस विधि से करेंगे, पहला और लास्ट। तो एक गुणे माइनस दो बराबर होता है माइनस दो, गुणा करने पे माइनस दो आए और जोड़ने घटाने पे माइनस एक प्राप्त होना चाहिए, तो जाएगा माइनस दो गुणे एक घटाएंगे माइनस एक प्राप्त होगा, मिल गया एक्स माइनस एक, यहाँ करिए एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस एक्स माइनस दो, हल करिए मिल जाएगा एक्स माइनस एक और एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस दो, धन एक कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस दो, हल करेंगे तो एक्स माइनस एक यहाँ से कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस दो और एक्स धन एक। प्यारे बच्चों यही इसके गुणनखंड होंगे एक्स माइनस एक एक्स माइनस दो और एक्स धन एक, इसे आप नोट कर लीजिए। इसी विधि से और जो भी प्रश्न दिए गए हैं एक्सरसाइज के आप सभी उसको हल करिएगा।